गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं एकदम सुबेरे सुबेरे एकदम सुबह सुबह तो नहीं, बट मैं हाँ अभी सो के उठी हूँ और अभी मैं जो है ब्रश करने जा रही हूँ। देखो, और बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है। मेरा थोड़ा सा गले में दर्द है क्योंकि परसों बारिश हुई थी, तो शाम को मैं थोड़ी सी भीग गई, तो जिस वजह से मुझे थोड़ा सा जुकाम जैसा लग रहा है। और मैं कल डॉक्टर के पास गई थी और दवाइयाँ लेके आई हूँ, तो मेरी गले की आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट आज सुनाई देगा। ठीक हो जाऊँगी, गरारे करूँगी। अभी गर्म पानी से पहले ब्रश कर लूँ, तो मैं पहले ब्रश कर लूँ। अभी 12:15 बज रहा है, तो सोचो कितनी लेट उठी हूँ मैं, क्योंकि कल रात को सारा रात बहुत ही खांसी था तो सो नहीं पाई खांसी की वजह से। तो इस वजह से जो है थोड़ी तो लेट हो गई उठने में। और बच्चे भी सो रहे हैं, अनुष्का भी सो रही है, निकित भी सो रहा है, उसका एग्ज़ाम चल रहा है, कल पेपर है, अभी उठाऊँगी उसको, फिर सारा दिन पढ़ने बैठेगा। और जैसे कि आज संडे हैं तो हस्बैंड गए हैं चिकन लाने के लिए, तो तब तक मैं ब्रश करके थोड़ा किचन समेट देती हूँ, क्योंकि रात में भी किचन साफ नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरा बर्तन वगैरह सब पड़ा हुआ है। जब आपको जुकाम लगता है तो कुछ भी करने को मन नहीं करता, तो कल रात को मूली का पराठा बना था तो वैसे के वैसे सारा पड़ा हुआ है, किचन पूरा फैला पड़ा है। तो पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद किचन समेटूँगी, तब तक वो बाजार से भी आ जाएंगे। मुँह तो धो लिया, अब मैं थोड़ा गार्गिल करती हूँ गर्म पानी नमक डाल के। अगर आप लोगों को भी गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मौसम चेंज हो गया इस वजह से, तो गर्म पानी में नमक डाल के गार्गिल दोनों टाइम ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत ही आराम मिलता है। तो मैं भी कर रही हूँ, गर्म पानी है।
गार्गिल कर लिया है। गार्गिल करने के बाद आप ठंडा चीज़ कुछ भी मत पीजिए, कोशिश कीजिएगा गर्म चाय अदरक वाली पीने की। तो मैं अभी पीऊँगी, अभी बना नहीं है, बनाऊँगी तो थोड़ी देर रुक के बनाऊँगी, तब तक हस्बैंड आ जाएंगे, एक साथ पियेंगे। तब तक मैं थोड़ा टेबल समेट लेती हूँ, टेबल भी पूरा गंदा पड़ा है, डाइनिंग टेबल सवेरे का सारा उन्होंने पिया होगा ना सवेरे उठ के, क्योंकि उठ जाते हैं चाहे कितने भी लेट सोए, उनका टाइम है 7 बजे का, तो वो 7 बजे उठ जाते हैं। गर्मी में तो जल्दी उठ जाते हैं, ठंड में 7 बजे उठ जाते हैं। उठ के खुद ही पी लेते चाय बना के, मेरे हस्बैंड को कोई वो नहीं है कि हाँ पत्नी ही देगी बना के, मैं नहीं करूँगा। मेरे पति का ये सब कुछ वो नहीं है, वो खुद से नाश्ता भी बना लेते हैं, लंच भी संडे वाले दिन तो सारा खाना वही बनाते हैं। और अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो फिर मुझे तो किचन में बिल्कुल भी नहीं घुसने देते, खुद ही बनाते हैं सब कुछ। और मेरी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, पूरा बीच वाला रूम जो है पूरा भरा पड़ा है कपड़े से, अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अनिकेत का एग्ज़ाम चल रहा है, उसका कल सेकंड पहला हो गया, ये सेकंड एग्ज़ाम है उसका भी, तो इस वजह से अभी उसको उठाने जा रही हूँ मैं। कल का मूली का वो मसाला पड़ा हुआ है, तो पिट्ठा पड़ा हुआ है, तो उसके मैं भी बनाऊँगी बच्चों के लिए और उनको उठाऊँगी। तो चलो मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 12 बज ही चुके हैं, खाना बनने में बहुत लेट हो जाएगा आज। तब तक एक एक पराठा खिला देती हूँ बच्चों को चाय के साथ। घर जाने के लिए जो पैकिंग करूँगी मेरे हम लोगों के कपड़े से ज़्यादा जो ले जाने वाले कपड़े सबके लिए, देखो मैं 5-6 साल हो गए घर नहीं गई, तो 5-6 साल नहीं गई तो काफ़ी वहाँ पे मेंबर्स भर गए हैं, काफ़ी न्यू मेंबर्स आए हुए हैं जिनको मैंने अभी तक जिनसे अभी तक मैं मिली नहीं हूँ, तो उनके लिए भी फिर लेना होगा, तो काफ़ी सारे बैग हो जाएगा। तो मैं वही सोच रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि मैं और अनुष्का हम दोनों, और रेलवे उसमें तो जाने का इजाज़त नहीं है, सिर्फ बाहर तक ही छोड़ने जा सकते हैं, हस्बैंड तो नहीं जा रहे इतना तो पता ही आप लोगों को, तो छोड़ने जाएंगे तो मैं अंदर कैसे, प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं मिल रहा है तो प्लेटफॉर्म तक वो नहीं जा सकते हैं, तो बस वो रेलवे का गेट तक ही जा सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते हैं, तो काफ़ी हैवी हो जाएगा मेरे लिए। अनुष्का किलो तो छोटी है, वो क्या अपना थोड़ा छोटा मोटा एक बैग ही ले पाएगी, तो वही सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि 2 से ज़्यादा बैग हो जाएगा तो फिर मुश्किल है, और हैवी भी उतना पड़ेगा उठाना, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी नहीं उठा सकती हूँ, मेरा सीजरिंग है तो ज़्यादा भारी भी नहीं उठा सकती हूँ मैं, तो मैं वही सोच रही हूँ। मैंने ख़रीद तो लिया है काफ़ी सारे कपड़े ले जाने के लिए, क्योंकि ठंडी है, ठंडी में तो काफ़ी कपड़े लगते हैं, स्वेटर्स जैकेट्स, गर्मी में तो इतने कपड़े नहीं लगते, हल्के फुल्के से हो जाते, लेकिन सर्दी में आप वहाँ जाके किससे मांगोगे, है ना, तो इसीलिए। और अनुष्का जा रही है, मेरा चाहे हो ना हो उसके लिए तो चाहिए, वो किसी का नहीं पहनेगी, अपना ही पहनेगी, तो वही सोच रही हूँ फिर उसी हिसाब से मुझे बैग अपना रेडी करना है, तो देखते हैं। चलो मैं थोड़ा किचन साफ कर लेती हूँ, और ये आ गए बिल्लियाँ किचन में, खुटखट आवाज होने से ही आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग, तो इनके लिए भी लेके आएंगे हस्बैंड फिश का जो काटे वगैरह होता है, और तो लेके आएंगे, अभी देखना जब आएंगे उनकी खुशबू से कैसे भगड़म मचाते हैं तो अरे देखो हम बच्चे लोग सॉस लेते हैं, और ढक्कन देखो जली जैम जली जैली 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 जम गई जैली, अब क्या बोल रहे तो चलो मैं काम कर लेती हूँ थोड़ा फटाफट। रात को भिगो के रखते हैं किशमिश और ये बादाम, खाने वाले लोग नहीं है हमारे घर में, इतना खाना वेस्ट हो जाता है ना, बताओ ये 2 दिन से भिगा हुआ है किसी कोई नहीं खाया, मैंने अपने हिस्से का खा लिया, बच्चे को भी ना इतने नखरे नहीं खाते, अभी तो मैं नहीं खाऊंगी, अभी मैंने गरारे किया है तो रखा हुआ है, अभी गणेश को उठेगा उसको खिला दूंगी।
मैम क्या हो रहा है मैम? अरे कपड़े पहन के तुम फिर बेड में चढ़ोगे? चलो कितना शोर मचा रहे हो ऊपर। दीदी सो रही होगी, पढ़ रही होगी, कुछ करती कर रही होगी ना, उधर खेलो। ऊपर ट्री रहती है ना, वो रहती है ना, पीटी दीदी लोग रहते हैं ना। अब वहां से जम कर और ये टूटेगा तेरा। अभी मैं बिंदु आंटी को बोलती हूँ ऊपर से आएगी डंडा लेके, बहुत शोर मचा रखा है। हां खड़ी आ।